नमस्कार, मैं शुभि महेश्वरी और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की बात किसी से छुपी नहीं है और एक बार फिर पाकिस्तान में हिंदू परिवार को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। एक हिंदू किसान परिवार मस्जिद में पानी पीने गया तो इमरान खान पार्टी के सांसद समर्थकों ने पहले उसे बंधक बनाया और उसके बाद जमकर प्रताड़ित किया। देखिए ये रिपोर्ट। इमरान खान के नए पाकिस्तान में भी हिंदुओं के साथ उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं को प्रताड़ित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा जाता और ऐसा ही कुछ हुआ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, जहां एक मस्जिद से पीने का पानी लेने की वजह से एक हिंदू किसान परिवार मुश्किल में पड़ गया। दरअसल कुछ लोगों ने धार्मिक स्थल की पवित्रता का उल्लंघन करने के लिए उसे प्रताड़ित किया और बंधक बना लिया। पाकिस्तान की न्यूज एजेंसी के मुताबिक पंजाब के रहीम यार खान शहर के रहने वाले आलम राम भील अपनी पत्नी समेत परिवार के अन्य सदस्यों के साथ एक खेत में कपास उठाने का काम कर रहे थे। जब परिवार एक नल से पानी लेने के लिए मस्जिद के बाहर गया तो कुछ स्थानीय जमींदारों ने उन्हें पीटा, बंधक बना लिया और फिर प्रताड़ित किया। आपको बता दें, हमलावर प्रधानमंत्री इमरान खान की सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई पार्टी के एक स्थानीय सांसद से जुड़े हैं। यही कारण है कि पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। तो देखा आपने पाकिस्तान में हिंदुओं को किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। अब हिंदुओं का मस्जिद में जाके पानी पीना भी मना है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं से किस हद तक नफरत की जाती है। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें जनहित टाइम्स।